ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कल वैशाली आएंगे और वैशाली में उनका वो लोकसभा का प्रवास होगा। हमारा मिशन है कि देश में 400 सीट जीती जाए। हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीटें हम जीतें। इसके लिए हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तब हमारी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थिति भी बदली। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा कुरहनी और गोपालगंज जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बिहार उस जश्न में है कि हमने महागठबंधन को दोनों जगह पराजित किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा है और इस दौरे में बहुत उत्साह है। लोकसभा में भी हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और सब जगह विजय पताका फहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हम कुरहनी और गोपालगंज जीते, उसी तरह लोकसभा में भी पिछले बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 39 सीट जीते थे और इस बार एक सीट जो बच गई थी वो भी जीतेंगे। 40 की 40 सीटों पर हमने मेहनत शुरू कर दी है और जीतेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी मेहनत कर रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं 5 तारीख से पूरे बिहार का नक्शा खोलने के लिए। वो तो सरकारी यात्रा है। नीतीश कुमार की यात्रा होगी कि बिहार में विकास का? नहीं नहीं, वो तो बिहार सरकार की यात्रा है। जी कर रहे हैं नीतीश कुमार से? नहीं नहीं, तो बिहार सरकार की यात्रा है, उसमें सारा जैसे राहुल जी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, वो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। हम लोग तो सुबह से शाम अब बीजेपी ऑफिस आ जाएं, हमारा एक नेता भी चैन से नहीं बैठता। हम लोग तो रोज़ यात्रा पे निकल जाते हैं। अभी मोतिहारी जा रहे हैं, अब उसको भी हम बताएं मेरी मोतिहारी की यात्रा है। तो हम लोग तो हमारा वर्कर चुनाव के वक्त में नहीं जगता है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है और हमारे कार्यकर्ता बूथ से यानी ये पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बराबर मेहनत करते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की यात्रा है, तो पहले भी शराबबंदी के विषय को लेकर कई जगह यात्रा उनकी हुई थी, वो सरकारी यात्रा थी। अभी भी शायद सरकार की तरफ से ही वो जा रहे हैं, जिसमें सामने जीविका दीदी बैठी होंगी, मंच पर मंत्री लोग बैठे होंगे और उसमें वो शराबबंदी और अन्य विषय पर बोलेंगे। तो सरकार में है तो वो तो जाना ही चाहिए सब जगह उनको। लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा कह रहे हैं ऑन द स्पॉट। देखिए पिछले 35 आप देख लीजिए, लालू जी और नीतीश जी मिल के सरकार तो उन्हीं की है, हम लोग तो सहयोगी दल थे उसमें। जो मुख्यमंत्री होता उसी के नाम से सरकार जानी जाती है। तो पहले लालू जी राबड़ी जी की सरकार, फिर नीतीश कुमार जी की सरकार। तो जो समस्या का हल हुआ उसका क्रेडिट तो लेती है वो सरकार दोनों मिलकर, लेकिन जो समस्या बची हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा? उसका निराकरण हम जरूर करेंगे जब 2025 में हम लोग सरकार में आएंगे।